लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा, और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आठवीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं अब तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे राजद नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार दोपहर राजभवन में होगा। खबरों के मुताबिक फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए ही शपथ होगी, बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ समय बाद किया जाएगा। नीतीश कुमार इस बार 7 दलों के गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें जेडीयू और आरजेडी समेत कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई और जीतन राम मांझी की हम पार्टी शामिल है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। इस्तीफे के बाद दूसरी बार तेजस्वी समेत विपक्षी महागठबंधन के सहयोगियों के साथ नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी थी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि जेडीयू के तमाम नेता एनडीए से बाहर आना चाहते थे, तो वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर विपक्ष और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया था। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट मिला, 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट, और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे, विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे, यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। वहीं नीतीश कुमार के दोबारा महागठबंधन में शामिल होने को बीजेपी अपने और बिहार की जनता के साथ धोखा बता रही है। बिहार से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर सिलसिलेवार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के एक पुराने पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, नीतीश सिर्फ कुर्सी के है। गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अपने दम पर सीएम नहीं बन सकते, पीएम का सपना देख रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह के मुताबिक नीतीश कुमार का संपूर्ण राजनीतिक करियर ही ऐसा रहा है, कुछ नया नहीं कर पाने की स्थिति, अकाउंटेबिलिटी और एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए वह पार्टनर बदल लेते हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का 2017 में किया गया एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि सांप आपके घर में घुस गया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने बिहार में शराबबंदी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व शराब माफिया को जाता है, जिसका इस्तेमाल जदयू अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए करता है। आज शराबबंदी कानून हटेगा, कल जेडीयू खत्म होगी। शराबबंदी के बाद जेडीयू के चंदे के संग्रह में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। वहीं नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने से केंद्र की राजनीति में भी बीजेपी को झटका लगा है। नीतीश कुमार के इस कदम से राज्यसभा का अंक गणित अब बदल गया है। नीतीश कुमार के दोबारा महागठबंधन का हिस्सा बनने से पिछले 3 साल में एनडीए का साथ छोड़ने वाली जेडीयू तीसरी पार्टी बन गई है। इससे पहले शिवसेना और अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए को छोड़ दिया था। नीतीश कुमार के नाता तोड़ लेने की वजह से एनडीए के हाथ से न केवल बिहार की सत्ता चली गई, बल्कि राज्यसभा में भी बीजेपी को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अब बीजेपी को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनता दल
और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन की वाईएसआर कांग्रेस पर अहम विधेयकों को राज्यसभा में पास करवाने के लिए निर्भर रहना पड़ सकता है। राज्यसभा में फिलहाल कुल सांसदों की संख्या 237 है और बहुमत का आंकड़ा 119 है। एनडीए के मौजूदा सांसदों की संख्या 115 रही है, जो अब जेडीयू के बाहर चले जाने के बाद 110 पर पहुंच जाएगी, जो बहुमत के आंकड़े से 9 कम है। राज्यसभा में जेडीयू के 5 सांसद हैं, जिनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।